हेलो दोस्तों, किरण किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों ब्रेड के समोसे बनाना बताऊंगी और ये बहुत ही आसानी से कम समय में बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पोटैटोज लिए हैं, ये मैंने उबाल लिए और ठंडे कर लिए हैं। अब हम इनको पील कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आलू को अच्छे से छील कर उसको हल्का हल्का क्रस्ट कर लिया है। आप इसको मोटा ही थोड़ा क्रस्ट करें और अब हम इसको तड़का मारते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपने आलू की फिलिंग रेडी कर लेते हैं ब्रेड समोसे के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉर्चून ऑयल डाल दिया है पैन में और अब हम इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। साथ ही साथ इसमें हम मटर डाल रहे हैं, ये फ्रोजन मटर है दोस्तों, आप सीजनल भी ले सकते हैं। मटर के साथ साथ दोस्तों हम इसमें आलू भी डाल देंगे जो हमने मैश किया था। क्वार्टर टीस्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। यहाँ पे दोस्तों मैंने साबुत धनिया लिया, हल्का इसको हथेली से क्रश कर लिया है और वो मैं इसमें ऐड करूंगी साथ में। अब दोस्तों हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पिंच ऑफ मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने नमक डाल दीजिए इसमें, जो रेगुलर सॉल्ट हम यूज करते हैं। टू पिंच मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। टू पिंच मैं इसमें रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूँ और टू पिंच ही मैं इसमें आमचूर पाउडर यूज कर रही हूँ। अब आप इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए आलू के साथ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है मसाला हमारा। तो अब हम इस पर हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी ये फिलिंग बनके बिल्कुल रेडी है ब्रेड समोसे की। अब हम इसको ठंडा कर देंगे। तो दोस्तों जब तक हमारा आलू ठंडा हो रहा है वहाँ पे हमारा फिलिंग, तो जब तक हम स्लरी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टू टी स्पून मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और उसकी स्लरी हम बना लेंगे। इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा और इसका घोल तैयार करेंगे। तो हम इस स्लरी में फ्लेवरिंग के लिए पिंच ऑफ यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड करूंगी और यहाँ पे मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स इसमें यूज करूंगी और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारी स्लरी रेडी है, आप इसको ज्यादा पतला ना कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अब दो फ्रेश ब्रेड ले ली है, अब हम इसके साइड्स को कट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ब्रेड को कट कर लिया, साइड से कट कर लिया इसको अच्छे से। अब हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप बेलिंग की सहायता से ब्रेड को इस तरीके से आप बेलिए और यहाँ पे आप हल्का पानी लगाकर इस साइड हल्का हल्का और अब इसको आप बेल लीजिए। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे ब्रेड को अच्छे से बेल लिया है और अब हम इसके साइड्स में जो हमने स्लरी रेडी करी थी ये वाली, वो हम इसके साइड्स में लगा देंगे इस तरीके से। और अब दोस्तों इसको इस तरीके से यहाँ पे भी हल्का हल्का लगा देंगे। और इसको इस तरीके से आप चिपका दीजिए। कॉन बना लीजिए आप, इसका कॉन शेप आएगी इसकी। तो ये देखिए दोस्तों हमारा कॉन बन के रेडी हो गया है और अब हम इसमें आलू की फिलिंग जो हमने रेडी करी थी समोसे के लिए वो इसमें हम डाल देंगे। तो दोस्तों ये हमारी आलू की फिलिंग है, आप इसको हाथों की सहायता से ही धीरे धीरे करके डाल लीजिए, कॉन में अच्छे से फिल कर लीजिए इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें फिलिंग भर दी, आप इसको इस तरीके से पुश कर दीजिए थोड़ा। और अब हम इसके यहाँ पे चारों तरफ हम इसके स्लरी लगा देंगे मैदे वाली। तो देखिए दोस्तों मैंने चारों तरफ इसके स्लरी लगा दी है। अब आप इसको यहाँ से हल्का सा मोड़ते हुए इस तरीके से आप इसको चिपका दीजिए कि पीछे थोड़ा लाइन आ जाए, जिससे कि ये समोसे का आकार थोड़ा सा हमें समोसे का आकार लगेगा। ये इस तरीके से आप इसको दबा दीजिए और रेडी कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको रेडी कर लिया है, इसको अच्छे से मैंने बंद कर दिया है। आप इसको स्लरी का अच्छे से यूज करके अच्छे से इसके किनारे बंद कर दीजिए जहां से खुला हुआ है,
जिससे कि ये तेल में जाने के बाद खुलेगा नहीं। तो ये हमारा रेडी हो गया एक, ऐसे ही हम दूसरा बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों समोसे रेडी कर लिए हैं ब्रेड के, आप भी इसी टाइप से बना के रेडी कर लीजिए। और अब हम गर्म करने के लिए तेल को रखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तेल रेडी हो गया, अच्छे से गर्म कर लिया हमने फॉर्चून ऑयल को। और अब हम इसमें इसको सावधानी से डालेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने दोनों डाल लिए हैं, अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे ये समोसाज फ्राई हो रहे हैं इस तरीके से। आप इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर। तो ये देखिए दोस्तों हमने अपने ब्रेड समोसाज को निकाल लिया है टिश्यू पेपर पे, आप इसका क्रंचीनेस चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आवाज ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, जैसे हमारे नॉर्मल समोसे बनते हैं उसी टाइप से ही समोसे बहुत ही क्रिस्प बने हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा घर में। तो दोस्तों आप इन ब्रेड समोसाज को एंजॉय कीजिए ग्रीन चटनी के साथ या फिर केचप के साथ। अगर दोस्तों आपको ये ब्रेड समोसा की रेसिपी मेरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।